बैक टू माई चैनल इंडियन यूट्यूबर मॉम नवनीत। सो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं शाम के 4। और देखिए यहाँ एमी है, से हाय। हाय, हाउ आर यू? सो यहाँ है एमी और एमी चला रहा है साइकिल क्योंकि अभी अभी एमी अपने ट्यूशन से आया है वापस। और फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ये व्लॉग है मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि एज यू ऑल नो मैंने कल कम्युनिटी में शेयर किया था कि मैंने रात में बैठ करके बनाई थी पिनिया। सो मेरे फादर इन लॉ को पिनिया बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को हम लोग जाते हैं यूजुअली डोई वाला, यूजुअली हमेशा डोई वाला जाते हैं हम लोग सैटरडे में, आप लोग को तो पता ही है। सो फ्रेंड्स, इसलिए मैं रात को, मुझे 10:30-11 हो गए थे मुझे पिनिया बनाते बनाते, सारा काम फिनिश करते करते, और काफ़ी सारी मैंने पिनिया बनाई थी। और आज भी मैंने यही वाला स्वेटर पहना है जो मैंने प्रीवियस व्लॉग में पहना हुआ था, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो मेरा स्वेटर है ना, ये बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा मोटी ऊन में है ये स्वेटर और इसका नेक भी क्लोज है। तो मैं आजकल सबसे ज़्यादा अपना यही स्वेटर पहन रही हूँ। और ये जो है ना, ये बिल्कुल लॉन्ग कोट स्टाइल स्वेटर है। और इस वाले स्वेटर के मेरे पास दो कलर है, दो नहीं तीन कलर हैं। एक ये वाला कलर है, ये थोड़ा ग्रीनिश में है, इसमें थोड़ा ब्लू लग रहा है। और इसका एक मेरे पास नेवी ब्लू है, नेवी ब्लू नहीं है, पिकॉक ब्लू है। और इसका ही मेरे पास एक है ऑरेंज कलर। सो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और सैटरडे को आप लोग को पता है जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं कि सैटरडे को हम लोग जाते हैं डोई वाला। तो अभी भी मुझे जाना है, आज भी हम लोग जाएंगे। तो वो देखिए पीछे कपड़ों पे पीछे आज पता नहीं क्या हो रहा है। एक्चुअली आज थोड़ा सा कुछ मुझे फील भी हो रहा है, जैसे तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा फीवरिश फील हो रहा है। क्योंकि वो देखिए पीछे कंबल भी सूख रहा है। तो कल शाम में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, आजकल ठंडा बहुत ज़्यादा है और मैंने कल शाम में धो लिया ब्लैंकेट, क्योंकि फ्रेंड्स ब्लैंकेट जो होते हैं ना, मेरे को बाहर वॉश कराने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता नहीं है कि अच्छे से वॉश करते हैं, नहीं। तो मैंने गलती कर दी यही कि मैंने शाम में ना ये वाला ब्लैंकेट धो लिया, और साथ ही फिर रात को मुझे रेस्ट नहीं मिला, मैं रात को बैठ गई पिन्नी बनाने के लिए क्योंकि पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट पिन्नियाँ जो मैंने बनाई हैं। सो ये देखिए, ये बॉक्स पे मैंने रख ली हैं पिन्नियाँ। तो ये पिन्नी जो है मैं लेके जाऊँगी डोई वाला। सो ये बॉक्स मैंने अभी इसको मैंने यहीं पर रखा हुआ है, यहीं से मैं इनको ले जाऊँगी और ये लेके जानी है मुझे डोई वाला। साथ में ही मुझे लेके जाने हैं ये गोलगप्पे, क्योंकि मैं काफ़ी दिन पहले ये गोलगप्पे का पैकेट लेके आई थी, मगर क्योंकि मैं बना नहीं पाई तो मैं इनको डोई वाला ही लेके जा रही हूँ। तो संडे में हम लोग इसका पानी बना लूंगी, गोलगप्पे का पानी, और हम लोग खाएंगे गोलगप्पे। मैं, हाँ आप भी खाना, दोनों खाएंगे। पापा दीदी, आपको पसंद है गोलगप्पे? हाँ। अच्छा देखो, आपके ना कार्ड्स गिरे हुए हैं, ये कार्ड दिखाओ सब, सबको इकट्ठा करो बेटा। और यहाँ देखिए, यहाँ है मेरी मशीन, क्योंकि मैंने आज कपड़े लगाए थे तो इसको भी अभी मुझे ठीक से करके रखना है। तो एक मिनट, मैं इसको भी थोड़ा सा इधर कर दूँ। सो कपड़े मेरे जो हैं बिल्कुल धुल चुके हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी लेट हो गई इसीलिए मैंने अपना व्लॉग भी जो है वो स्टार्ट नहीं किया था। अच्छा, सबको डांस का स्टेप दिखा दो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, इधर 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 यहाँ पर, चलो स्टार्ट स्टार्ट करो ना, ढंग से पंजाबी डांस पे। जैसे हम मस्ती में करते हो वैसे करो ना डांस, अच्छे से मस्ती वाला डांस। यस, ये मैं नाच लूंगा। हाँ हाँ, वैसा वाला था एमी का छोटा सा डांस। सो यहाँ है एमी आ रही है। अच्छी लग रही है आपको मेरी इयररिंग? हाँ। मम्मा मुझे मुझे कुछ दे दो। क्या खाओगे? कुछ भी दे दो। आप खाना मैंने दिया था, आप खाने के टाइम पूरा फिनिश तो करते नहीं हो अपना फूड। मम्मा मैंने वन टाइम खा लिया था, एक और बॉल दे दिया। तो फिर भी खाना होता है ना जब आप भूख कह रहे हो। चिप्स इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो देखिए, ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा
उसको ऐसा लगता है कि हमें हर वक्त मम्मा जो है चिप्स देती रहे, हर वक्त चॉकलेट देती रहे। सो बेटा वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, खाना खाना अच्छा होता है। सो मैंने दिन को जब इसको खाना दिया था तो इसने छोड़ दिया था अमृत ने, और अभी मुझे बोल रहा है कि भूख लग रही है। अच्छा चलो आपको कुछ खाने के लिए देते हैं, चलो किचन में चलते हैं। सो फ्रेंड्स मैं अमृत को थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे दूं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से करती हूँ बात। मैं आ गई हूँ किचन में और मैं यहाँ एमी को दे रही हूँ घी में भून के थोड़े से मखाने, और काफी ज्यादा हेल्दी स्नैक है ये बच्चों के लिए, तो मैं तो एमी को यही देती हूँ शाम में, इवनिंग में, जब भी उसका मंचिंग का थोड़ा सा मन करता है, स्नैक्स खाने का मन करता है, तो मैं हमेशा उस हमेशा मैं उसको इस तरीके से घी में भून के मखाने दे देती हूँ। तो आपको अच्छे लगते है ना मखाने, बच्चों ना मखाने अच्छे लगते है ना। अच्छे लगे? कैसे लग रहे हैं? यमी, एमी को पसंद है ना मखाने, और एमी भी खा रहा है मखाने, और मैंने भी अपने लिए थोड़े से मखाने ले लिए हैं, और आज मैंने पहने हैं अपने ये वाले इयररिंग्स, और एमी को काफी अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? फ्रेंड्स आज मुझे बिल्कुल भी मुझे डिनर नहीं बनाना है, यहाँ तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आशु ने आज मुझे बोल रहे थे, आशु मॉर्निंग में, कि हम लोग काफी लेट हो जाते हैं डिनर के वजह से डोईवाला जाने में, तो इसलिए हम लोग वहीं जा करके डिनर करेंगे आज। और फ्रेंड्स आप लोग पीछे ये देखते होंगे मेरे बेड पे बहुत सारे टॉयज रखे हुए हैं, और मोस्टली आप मेरे ब्लॉग्स में देखते होंगे कि मेरा ये जो डबल बेड है, मेरा ये जो रूम है, इसमें बहुत सारे टॉयज हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स हमारे घर में बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज हैं, क्योंकि पहले नीति के लिए, जब नीति छोटी सी थी, तो इतने हम लोगों ने सॉफ्ट टॉयज लिए, और हमारे से ज्यादा फ्रेंड्स इसके लिए नानी ने गिफ्ट किए, सबने गिफ्ट किए, तो हमारे घर में इतने सारे सॉफ्ट टॉयज हैं, कितने सारे तो मैं जो नए थे मैं उनको गिफ्ट कर चुकी हूँ, मगर फिर भी स्टिल मेरे पास इतने सारे सॉफ्ट टॉयज हैं, इसलिए मैं इन सॉफ्ट टॉयज को इनके बेड पर रख देती हूँ। नीति अमी यहीं पर सोते हैं मेरे साथ, तो इस बेड पर बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज हैं, और डोईवाला में भी बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज हैं। तो अभी फिलहाल जब भी हमारा घर बनेगा देहरादून में, तो मैं इनका किड्स रूम जो है वो अलग बनेगा, तो उसमें मैं इनके जितने भी सॉफ्ट टॉयज होंगे सबको अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज करूंगी, अच्छे से इनको मैं सेट करूंगी, तो अभी तो फिलहाल यहीं बेड पर रखे हुए हैं। और फ्रेंड्स नीति गई हुई है ट्यूशन, आप लोग सोच रहे होंगे कि नीति कहाँ है, तो एमी का जब ट्यूशन फिनिश होता है तो उसका स्टार्ट होता है, तो ये आ गया है ट्यूशन से और वो गई हुई है, तो उसी का मैं वेट कर रही हूँ, और उसका ट्यूशन ऑफ होता है 5:30, तो मैं 5:30 उसको लेने जाऊंगी। सो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं शाम के 7:30, और अभी भी हम लोग अभी देहरादून ही है, अभी डोईवाला नहीं निकले डोईवाला के लिए, तो आशु को ऑफिस में थोड़ा सा आ गया था काम, इसलिए हम लोग नहीं निकल पाए फिर डोईवाला जल्दी से, तो इसलिए मैंने डिनर जो है वो बना लिया है, और डिनर में मैंने बनाया है मिक्स वेजिटेबल पुलाव, तो हम लोग ये खा रहे, और खाने के बाद में हम लोग जाएंगे डोईवाला। सो यहाँ आशु भी आ गए हैं, तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, तो जल्दी जल्दी मैं खाना फिनिश कर लूँ, फिर उसके बाद डोईवाला पहुंच के आप लोगों से बात करती हूँ मैं। सो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं रात के 8:30, और यहाँ आशु ने निकाली है गाड़ी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, तो गाड़ी में दोनों बच्चे बैठ गए हैं, ये देखिए। सो अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा, तो हम लोग अभी काफ़ी लेट हो गए निकलते निकलते, क्योंकि आज आशु लेट आए थे ऑफिस से, और यहाँ पहना हुआ है मैंने अपना स्टोल, तो काफ़ी प्लफी सा स्टोल है ये, काफ़ी वार्म है, तो मैंने ये पहना हुआ है, तो ये देखिए गाड़ी निकल रही है बाहर, तो हम लोग जा रहे हैं डोईवाला। और वैसे तो हम लोग हमेशा थोड़ा
सात बजे करीब निकल जाते थे, मगर आज काफ़ी लेट हो गए क्योंकि आशु ही लेट आए। तो चलिए अभी डोईवाला चलते हैं। अंधेरा हो गया है तो काफी देर हो गई आशु निकलते निकलते। तो यहाँ बैठे हैं आशु और ये रहा एमी। एमी ने भी कैप पहनी है, मम्मा ने भी कैप पहनी है। एमी सबको लियो अपनी कैप। एमी तो बहुत क्यूट लग रहा है। क्यूटू कहाँ जा रहे हो? डोईवाला। और नीति बैठी है पीछे, तो नीति दिख नहीं रही है। वो दिख गई नीति, हम तीनों ने कैप पहनी है। यस, और पापा ने देखो कैप नहीं पहनी, पापा को ठंडा नहीं लग रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं रात के 9 और ये देखिए यहाँ लेटे हुए हैं रजाई में आशु और एमी बैठा हुआ है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग काफी देर पहले पहुंच गए थे डोईवाला। काफी देर क्या, हम लोग आधा घंटा पहले डोईवाला पहुंच गए थे और खाना हम लोग वहां से खा के ही आए थे। देहरादून से मैंने बनाए थे वेजिटेबल पुलाव, और अभी यहाँ आने के बाद में, क्योंकि हमें खाना तो खाना नहीं था, तो मैंने थोड़ी सी बनाई है अपने लिए कॉफी और आशु के लिए कॉफी बनाई थी। तो अभी हम लोग आ गए हैं रूम में और अभी थोड़ी देर में हम लोग सोएंगे। सो यहाँ है एमी। एमी इधर आओ पहले, सुन आओ ना, एक बार आओ ना, कॉफी दूंगी आपको। कब आओ ना, आज बच्चू। सो एमी जो है अभी थोड़ा सा नाराज हो रखा है क्योंकि उसकी पापा से थोड़ी सी कुछ वो जिद कर रहा था तो उन्होंने पूरी नहीं की थी, इसलिए वो मुझसे भी नाराज है, इसलिए वीडियो में आ नहीं रहा है। आओ एमी एक बार सबसे बात करो, देखो सब बोलते हैं ना, फिर आओ। तो यहाँ आ गया है एमी। अच्छा, आप पापा से क्या मांग रहे थे बताओ सबको। अच्छा लो कॉफी ले, थोड़ी सी थोड़ी सी। कैसी है? बहुत अच्छी है कॉफी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी ये जो छोटू सी वीडियो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि अभी हम लोग 10-15 मिनट्स में जा रहे हैं सोने के लिए। तो आज की जो मेरी ये वीडियो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो कल मॉर्निंग से स्टार्ट होगा एक नया व्लॉग, एक नई वीडियो। सो मिलूंगी मैं आपसे बहुत जल्दी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सो आप लोगों का वीकेंड जो है, संडे जो है, काफ़ी अच्छा अच्छा रहे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, वीडियो फिनिश करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं और अब तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।